सभी दर्शकाना अदिति की आड़ी सु गणो गणो राम राम। आप देख रहे हो खबरा आपनी हाड़ोती सु। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ जिला का दौरा पर रही, जहाँ मना खानपुर कस्बा में अतिवृष्टि प्रभावित इलाका को दौरो करियो और इकला रही मना पार्वती नदी का किनारे की स्थिति भी देखी और मौका पर मौजूद अधिकारियों कताई खानपुर कस्बा में बाढ़ से बचाव का स्थायी इंतजाम करवा का प्रस्ताव बनावा का निर्देश भी दिया। और इसके बाद वसुंधरा राजे खानपुर कस्बा का चांदखेड़ी स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ पूगी, जहाँ मना मंदिर में चतुर्मास कर रहा दिगम्बर जैन मुनि सुधा सागर महाराज सु आशीर्वाद लियो और इसके बाद मंदिर समिति की ओर से वसुंधरा राजे को सम्मान भी करियो गयो और इस दौरान वाका लारा सांसद दुष्यंत सिंह समेत कई भाजपा नेता भी मौजूद रहा। बाद में वसुंधरा राजे ने काफी देर ताई संत सुधा सागर महाराज सु अकेला में भी वार्तालाप करी। आरी का बाद वसुंधरा राजे ने जिला का अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र को हवाई सर्वेक्षण भी करियो और इसु पहली वसुंधरा राजे को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी सु स्वागत भी करियो और हेलीपैड पर उतरता ही वसुंधरा राजे ने भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं कताई आम जनता कताई अभिवादन स्वीकार करियो। तो वही बाद में वन कृषि उपज मंडी में भी बनाया गया पंडाल में आमजन की समस्याएं भी सुनी और इस दौरान माना मौका पर मौजूद लोगों का तई संबोधित करता होया कोरोना महामारी काल में दिवंगत होता होया लोगों का तई श्रद्धांजलि भी दी। बूंदी जिला का सदर थाना इलाका का अस्तोली गांव में दो सगा भाई खेत में भेस चराबा गया जा जदि पानी की खदान में डूब जाबा सु वाकी दर्दनाक मौत होगी। मौका पर मौजूद लोगा ना तुरंत फिर दोनों भाइया का तई पानी से परी कान से बारा खाड़ियो और अस्पताल लेर पू गया पण इसु पेली ही बालक पानी में डूब जाबा सु दम तोड़ दियो छो। और जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह दीपक और हंसराज दोरी अपना खेत पर भेस चराबा गया जा इस दौरान ही पास में पानी सु भरी खान में पैर फसल जाबा सु एक बाद एक दोनों ही भाई खान में पड़ गया और जिसु दोनों की मौका पर दर्दनाक मौत होगी। जिला अस्पताल लेर पूगबा पर चिकित्सका ने दोनों भाइया दीप और हंसराज का ताई मृत घोषित कर दियो। सूचना मलबा पर मौका पर पूगी सदर थाना पुलिस ने दोनों बालका का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया जा जहाँ से पोस्टमार्टम करार शव परिजना का ताई सौंप दिया गया। सूचना मिली थी कि अस्तोली में दो बच्चे पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, जो जिनकी डेड बॉडी मोर्चरी बोंदी में रखी हुई है। मोर्चरी बोंदी पहुंचकर बॉडी को देखा तो दोनों बच्चों की लाश रखी हुई है। परिजनों ने बताया कि बच्चा दीपक सुनम लड्डू उम्र 12 वर्ष, दूसरा बच्चा है हंसराज सुनम लड्डू उम्र 9 वर्ष है, दोनों सगे भाई हैं। सुबह 9:10 बजे करीब हमने जानवरों को लेके वो चराने गए थे, जहाँ खदान में पानी भरा होने से एक बच्चा फिसल के गिर जाने से दूसरा उसको निकालने की कोशिश में वो भी उसमें डूब गया। तो दोनों बच्चों के डूबने से पानी में डूबने से वहीं मौके पर मृत्यु हुई। इसको परिजन हॉस्पिटल लेके आए, उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तेज रफ्तार सु चल रही बाइक का सामा अचानक गाय आबा के बाद अनियंत्रित होर बाइक रेलिंग सु टकराएगी। हादसा में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत होगी जबकि बाइक सवार अन्य युवक का ताई मामूली चोट आई छ। हादसा NH 27 सीमलिया कसोडो होयो छो। मृतक महावीर गुमानपुरा को रेवा वालो छ। जानकारी के अनुसार महावीर बाइक सु नागदा महादेव मंदिर का दर्शन करके अपना गाँव की तरफ लौट रहे छो। इस दौरान ही तेज रफ्तार बाइक का सामा अचानक गाय आगी और बाइक अनियंत्रित होर हवाई की रेलिंग सु टकराएगी और बाइक सवार महावीर का सिर पर गंभीर चोट लगवा का कारण MBS अस्पताल में भर्ती कराया गयो। महावीर ने MBS अस्पताल में इलाज का दौरान दम तोड़ दियो। MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया मृतक महावीर का शव को पोस्टमार्टम करा शव परिजना का ताई सौंप दियो गयो। फिलहाल सिमलिया थाना पुलिस पूरा मामला की जाँच कर रही। इसका नाम था मृतक महावीर प्रसाद है, इसके पिताजी का नाम सत्यनारायण, ग्राम गुमानपुरा का था। ये महादेव जी के मंदिर में नागदा से आ रहे थे वापस, वहाँ धोप खा करके नहाने स्नान वगैरह करके आ रहे थे, जो अचानक सीमलिया NH 27 पे इनकी मोटरसाइकिल के आगे कोई अचानक गाय आ गई, जो उसी वजह से एम्बुलेंस होकर के पास में जो साइड में रेलिंग लगी रहती है हाईवे की, उससे टकरा गई इनकी मोटरसाइकिल। उसे माथे में चोट आने के कारण से महावीर प्रसाद की दौरान इलाज मृत्यु हुई है। कोटा का जेकेलोन अस्पताल में जोरदार हंगामा हुयो। तीमारदारों और अस्पताल का सुरक्षा गार्डा का बीच झड़प होगी और जिसु मरीजा का परिजन ना अस्पताल का बारा हंगामा कर दियो और हंगामा बढ़वा पर अस्पताल प्रशासन ने नयापुरा थाना कताई सूचना दी, जी का बाद हंगामा कताई बढ़ता देख वहाँ RAC और पुलिस तैनात की गई और मरीजा का तीमारदारों ने बताया कि वहाँ का मरीज अंदर भर्ती छ, जी का सोडा व खाणो लेर जाओ छ, जदि सुरक्षा गार्ड ने वहाँ कताई रोक दियो और मरीजा का तीमारदारों ने वहाँ का सोडा भी दिखाया छ
पर फिर भी गार्ड ने वाकतई अंदर जाबा सु रोक दियो। और मामला पर बात करता हुआ सुरक्षा गार्ड ने बताया कि वाकतई अस्पताल प्रबंधक ने निर्देश दिया हुआ चाहे कि तड़का 9 से 11 बजे ताई राउंड चला चा जिसकी वजह से मरीजा का परिजन कतई वहाँ जाबा सु रोको जाओ चा। और राउंड के बाद वाकतई अंदर भेजो जाओ चा और बिना वजह वाकतई न रोको गयो। वही नयापुरा थाना पुलिस ने परिजन की समझाइश की और मामलो शांत करवायो। हमारे भतीजे की बहू भर्ती है अंदर, हम मिलने के लिए आए लेकिन वो भतीजे को मैंने खाने देने के लिए बुलाया, उसको भी नहीं जाने दिया। उसका गेट पास है, ये जो गेट पास होते हुए उसको बाहर निकाल दिया। दादागिरी कर रहे हैं वो, ये सिक्योरिटी गार्ड और धमकियाँ दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन को बुला लिया, पुलिस प्रशासन आई, पुलिस प्रशासन ने कहा आप अधीक्षक से बात करो। हम अधीक्षक से बात करेंगे तो आप किस लिए आए हो, आप समझौता करो इस चीज़ का है। नाजायज परेशान, इतने पब्लिक परेशान हो रही है, एक जच्चा के साथ एक को नहीं रहने दे रहे, क्यों नहीं रहने दे रहे? सर ये सब एक गलत बात है और हमारे को आदेश मिला है 8:30 से 11 का राउंड चलता है, इसमें सभी मरीज के साथ जो अटेंडर है सबको बाहर किया जाता है और 11 बजे के बाद हम सबको गेट पास देख के अलाउ कर देते हैं अंदर। 11 बजे से पहले अलाउ नहीं, 11 बजे से पहले अलाउ। और कोई इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर हमारे को कॉल करते हैं तो हम तुरंत अंदर भेज देते हैं उनको। ये मानते ही नहीं हमारी तो, हाँ। और इनको हम समझाते हैं फिर भी नहीं समझते, जो हमारे को आदेश दिए हम उसकी पालना करते हैं। कोटा सु हवाई सेवा शुरू होबा को सपनों एक बार फिर कागजा में उलझ कर रह गयो और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा की गई लंबी जद्दोजहद के बाद 1361 एकड़ एरिया में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण की कवायद शुरू हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमा ने सघन दौरा करिया और UIT ने भी वहाँ का विजिट प्रपोजल तैयार करवा और नक्शा सहित अन्य कार्य में पूरी मदद करता होया खूब पैसा खर्च करया। और पण जब राज्य सरकार ने 1250 एकड़ जमीन निःशुल्क एयरपोर्ट निर्माण के लिए देवा की घोषणा की तो एक बार फिर नई तरीका से कागजी कार्यवाही की जा रही है। और UIT उप सचिव चंदन दुबे के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एयरपोर्ट निर्माण के लिए कुल 1675 एकड़ जमीन की डिमांड की गई थी, जिसमें से 1361 एकड़ में एयरपोर्ट को निर्माण होनो चो और बाकी 314 एकड़ जमीन भविष्य में विस्तार की योजनाओं को ताई लेर रिजर्व के रूप में मांगी थी। राज्य सरकार की घोषणा के बाद 111 एकड़ जमीन एयरपोर्ट निर्माण में कम होगी तो वही नक्शा सहित अन्य कागजी कार्यवाही नया सिरा काम होगो। और प्रस्तावित जमीन मसू 95% जमीन वन विभाग की और 5% जमीन UIT की चा। जमीन फाइनल करबा के लिए विजिट के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जो भी जमीन फाइनल करेगी उको प्रस्ताव बना UIT द्वारा राज्य सरकार का ताई भेजो जाओगो और उको अनुसार ही बजट तैयार होगो। कोटा के लिए नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा 1250 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित किए जाने का आदेश जारी हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 1250 एकड़ जमीन के प्रस्ताव हमारे को प्राप्त होते ही हम उनके प्रस्ताव आवंटन के प्रस्ताव तैयार करके और भिजवा देंगे। सर बजट वगैरह का कुछ इसमें आया हो? बजट की जानकारी मुझे नहीं है। अभी इतना टाइम क्यों लगा, पहले जो प्रस्ताव था और अब में क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें जमीन में? पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1361 एकड़ का प्रस्ताव दिया था और 1250 एकड़ का प्रस्ताव राज्य सरकार ने मंजूर किया है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 1250 एकड़ का प्रस्ताव हमारे पास आना है, इसमें लगभग 95% जमीन वन विभाग की आ रही है। तो उस जमीन को वन विभाग से लेने के लिए उसके बदले वन विभाग को UIT अपने खाते की जमीन देगी, उसके आधार पर वन विभाग द्वारा ये जमीन एयरपोर्ट के लिए हस्तांतरित की जाएगी। लोकसभा में हंगामा पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की जा माना क्योंकि आपकी जनता ने हंगामा के लिए ही कोई ना बाकी वाकी समस्या का ताई सामने लाबा के लिए भेजो चा। और बिरला ने क्योंकि हंगामा कर रहा सदस्य जनहित का विषय पर चर्चा संवाद न चारिया और बिरला ने क्योंकि वह नाराबाजी और आदिवासी गरीब दलित शोषित और पीड़ित वंचित वर्ग की बात न करबो चारिया और आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज का कल्याण पर सदन में बात न हो बासु स्पीकर खासा नाराज नजर आया। बिरला हंगामा कर रहा सांसदासु क्योंकि सदन में चर्चा और संवाद हो पर आप हंगामो करके जनता का लारा अच्छो न कर रहा और देश और लोकतंत्र कताई मजबूत करनो छ तो गरीब कताई सशक्त बनावा के लिए चर्चा और संवाद ही एकमात्र माध्यम छ।
नगर निगम का वार्ड नंबर 7 और 29 में नगर विकास न्यास और नगर निगम द्वारा विकास कार्य में भेदभाव को आरोप लगाता हुआ दोनों वार्डा का पार्षद में स्थानीय लोगा कलारा जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री का नाम जिला कलेक्टर का ताई ज्ञापन सौंपियो और वार्ड नंबर 29 का पार्षद धनराज गुर्जर ने क्योंकि माँ क्षेत्रा का ताई नगर निगम क्षेत्र में आया हुआ काफी टेम हो गया और पेड़ आज ताई मूलभूत सुविधाओं के लिए माँ की जनता परेशान छ और पार्षद को केबो चुकी क्षेत्र में लगभग 80 से 90 हजार की आबादी निवास क्षेत्र को आज ताई कोई विकास न हो पायो लोगा का ताई पीने का पानी के लिए भी लगभग 203 किलोमीटर दूर जानी पड़ रही है और क्षेत्र में नाली पटान के नाम पर मात्र खाना पूर्ति छ पार्षद को आरोप छ कि विकास का ताई ले जबकि अधिकारियों से बात की जाओ छ परवर टालमोल जवाब देव छ आज हम सभी राम मंडी क्षेत्र के सभी पार्षद और गणेश नगर मंडल के सभी पदाधिकारी हमारे वार्डो में विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है और हमारे नजदीकी कांग्रेस के वार्ड है उनमें विकास कार्य जोरों पे चल रहे हैं और हमारे साथ भेदभाव तरीके से अधिकारी गलत तरीके से पेश आ रहे हैं हमारे हम जो भी बात करते हैं उनको सुना अनसुना कर देते हैं आज हम कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं और कांग्रेस सरकार को चेताने आए हैं कि शीघ्र से शीघ्र हमारे वार्डो में विकास कार्य चालू करवा दे नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कोटा जिला में चल रहा कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान पर मंगलवार का ताई ब्रेक लागियो और वैक्सीन की कमी का चलता सिर्फ जिला में 5 साइट पर ही सेशन आयोजित किया जा रहा है आरसीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि मंगलवार का ताई केवल 5 साइट पर सेशन आयोजित किया जाएगा अरियामा शहर की दादाबाड़ी सीएससी पर केवल विदेश पर जावा वाली नागरिका का ताई कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी जबकि ग्रामीण में सीएससी कनवास और पीएचसी धुलेट आवा और मोरुकला दरामा 18 वर्ष से अधिक आयु वाला का ताई कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन से लगाई जा रही है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को केवो चुकी अब ताई जिला में 11,165 सेशन आयोजित हो चुका है जी में निर्धारित श्रेणिया का 8,23,051 लाभार्थी कताई वैक्सीन की पहली और 3,37,072 कताई दूसरी डोज लगाई जा चुकी है अब आर वैक्सीन के लिए फिलहाल ऊपर से कोई जानकारी कोई ना और अगली डोज कब तक मिलेगी सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद अपना दोस्त से मिलवा पर जयपुर से भागकर कोटा आ गई नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ का मामला कताई सीडब्ल्यूसी न गंभीरता से लेता हुआ संबंधित थाना का ताई जांच करके आवश्यक कार्रवाई का दिशा निर्देश भी दिया बाल कल्याण समिति सदस्य विमल जैन के अनुसार किशोरी का ताई बालिका गृह का स्थायी आश्रय दिलावा के लिए काउंसलर द्वारा काउंसलिंग भी करवाई जा रही है और पूरा घटनाक्रम से संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है इकला रही किशोरी से परिजना से भी संपर्क करो जा रहे हैं और जाकर कोटा आबा का बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी जैन का अनुसार बालिका ने प्रारंभिक जानकारी में यह बताया जा कि माँ की अजमेर निवासी एक युवक कलारा दोस्ती हुई थी और उस मिलबा पर वह कोटा आई थी पर यहाँ वाका दोस्त ने युवक सुमिलबा का नाम पर कमरा पर ले जा उकताई छेड़छाड़ करी और काउंसलिंग के बाद जो भी जानकारी सामा आओगी उसके अनुसार आगे की कार्यवाही करी जाओगी पुलिस ने 354 छेड़छाड़ की घटना धारा है प्लस पॉक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज किया एससी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया अब बाल कल्याण समिति की मीटिंग में हम इस प्रकरण को देखेंगे पुलिस का क्या अनुसंधान रहता है बालिका से काउंसलिंग कराई जाएगी उसके माता पिता आने के बाद इसके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और उसके जानकारी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी पिछला दिन अतिवृष्टि का चलता ग्राम गोर्धनपुरा में मकान गिरबा सू 3 वर्षीय बालिका जिया की मौत हो गई थी जबकि बालिका का पिता नंदकिशोर और संतोष बाई गंभीर रूप से घायल हो गया था जाका एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहे थे और मृतक बालिका का परिजन कताई मुआवजा दिलावा की मांग कताई लेर सूर्यवंशी राष्ट्रीय भागीरथ सेवा समिति और माली सैनी महापंचायत न बैनर पर एक प्रतिनिधि मंडल न जिला कलेक्टर कताई ज्ञापन सौंप पर पीड़ित परिवार कताई मुआवजा दिलावा की मांग की एक माली समाज का परिवार देवकरण माली के मकान की गिर जाने के कारण मौके पर 3 वर्षीय बालिका जिया की मृत्यु हुई उसके माता पिता नंदकिशोर और पत्नी संतोष भाई की गंभीर घायल हुई उस कारण परिवार की आर्थिक सहयोग की मांग को लेकर 10 से 15 दिन के अंदर इस परिवार को आर्थिक सहयोग दिलवाया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना पर इसका सहायतापूर्ण मकान का पुनर्वास करवाया जाए
कोटा का ग्रामीण इलाका में जहरीला सांप का ढसबा सू एक 19 वर्षीय युवती की मौत होगी। मृतका कुसुमलता मादलिया गांव की रेवा वाली जा और कुसुमलता खेत में चारो लेबा के लिए गई थी। दौरानी सांप न ढस लियो और गंभीर हालत में कुसुमलता कताई MBS अस्पताल में भर्ती कराया गयो। करीब एक सप्ताह सू जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही कुसुमलता ने MBS अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दियो। बारिश का मौसम कला रही सांप बिच्छू द्वारा काड़बा का लगातार मामला सामा आ रहा था। MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया मृतका का शव कताई पोस्टमार्टम करो जाओगो और फिलहाल मंडाना थाना पुलिस पूरा मामला की जांच कर रही है। सर एक खेत पे गए थे चारा लेने। अच्छा। जो वहाँ पर सांप निकाल गए सर। अच्छा। 8 दिन से इलाज करवाया सर। 10-12 दिनों की यहाँ पे 10 दिनों के लगभग इलाज कराते हुए। अच्छा। गरीब परिवार है सर। मैं पापा भी नहीं पापा भी नहीं बोला ना सर। 2 तारीख को इलाज करा रहे। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों का तय पेंशन देवा को मामलों अबारताई भी अटको हुए छ और जबकि राज्य सरकार ने ई पर अपनी ओर सू NOC जारी कर दी छ। यूनिवर्सिटी अपनी फंड सू कर्मचारियों का तय पेंशन दे सक छ पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ई को तय लागू करवा में अपना आप का तय असमर्थ पा रहा छ। बताया जा रही है कि अबार यूनिवर्सिटी में PF एक्ट भी लागू छ। कर्मचारियों का तय PF कर दियो छ। जब तय यह समाप्त न होगो पेंशन की योजना लागू न हो पाओगी। यूनिवर्सिटी की ओर सू अब राज्य सरकार का तय पत्र लिखो जा रहे छे जिमा PF कताई गजट नोटिफिकेशन भी समाप्त करबा को प्रावधान करबा की बात की गई छ। इस प्रकार सु पेंशन देवा पर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कतरो भार आओगो इकी बिगड़ना की जा रही छ और प्रयास यह करिया जा रहा छ कि भारतीय जीवन बीमा निगम कताई यूनिवर्सिटी प्रशासन एक मुक्त 160 करोड़ जमा करवा दे और जिसु कर्मचारी कताई पेंशन मिलती रहेगी और इको प्रस्ताव भी तैयार करियो गयो छ जी पर यूनिवर्सिटी की वित्त समिति की बैठक में फैसलो होनो बाकी छ। पेंशन कताई लेर यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी काफी प्रयास कर चुके हैं। लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव बनाया हुए छ। एक चालता कई कर्मचारी रिटायर होबा के बाद भी इको लाभ न ले पा रहे और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार नरेश मालव को केवो जो कि पेंशन प्रकरण प्रक्रिया में चाल रहा शीघ्र ही ई बार फैसलो होगो और माना क्योंकि पेंशन लागू करबा सू पहले ही PF एक्ट का ताई मारो सू कराए जाओगो और जब ताई PF एक्ट लागू रहोगो पेंशन लागू न की जा सकेगी। और यूनिवर्सिटी का वित्त विभाग का अधिकारियों का ताई भी यही कहना चो कि विभाग की ओर सू संदा तैयारियां पूरी कर ली गई छ। राज्य सरकार की ओर सू जो भी पत्र मिले छ उमा भी खामी छ जिका ताई दूर करवायो जा रहे छ और वित्त विभाग भी चाहो छ कि यूनिवर्सिटी में पेंशन लागू की जाओ पर उक पहले ही खामियां आ रही छ और उका ताई दूर करबा करियो जाओगो और ताकि बाद में कोई प्रकार की कोई समस्या ना हो। बाढ़ बारिश और अतिवृष्टि के कारण कोटा संभाग में किसाना की पूरी फसला चौपट होगी जा और साल भर कताई जो किसान खेत में अनाज बोबा कर लिए भी मेहनत करता रहो जा वह मेहनत बारिश में पानी में घुल गई जा और किसाना का खेता की पूरी फसला तबाह होगी जा और उन नुकसान को मुआवजो किसाना कताई जल्द ही मिलना चाहिए जा। अरे गाँव का किसाना की फसला पूरी तरह बाढ़ में बारिश से बर्बाद हो चुकी जा। इटावा रजोपा बोरदा सम्मानपुरा और हतोली किशोरपुरा तालाब और खातोली जटवाड़ी रामपुरिया धाबाई आसीदा सहित कई गांव का किसाना ना एक जशो दर्द झेलो छ। और हालांकि 2 दिवसीय दौरा पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसाना का बीज पूगर यहाँ को दर्द बांटबा की कोशिश की और केंद्र और राज्य सरकार का द्वारा जल्द से जल्द किसाना का तई वहाँ की फसल को मुआवजा दिलाबा को प्रयास करियो और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का लारा प्रशासनिक अधिकारी कृषि विभाग का अधिकारी भी मौजूद रहा ताकि किसाना की फसल को खराब को सर्वे कर वहाँ का तई बर्बादी हुई फसला के बारे में किसान अपनी आप बीती सुनाई और बाढ़ में बारिश में कई लोगों का पक्का और कच्चा मकान भी गिर गया था। वहाँ लोगों का कोई रेबा को ठिकानों कोई न छो और सरकार का तय चाहे थी कि जल्द से जल्द किसाना और आम जनता की समस्या को समाधान खड़े। 3 तारीख को और शुक्रवार को शाम को इतना पानी आया इधर से घरों में क्या है कि ऐसे होल पाड़ के पानी घुस गया और सारा घर नष्ट हो गया पूरा पूरा सब बेकार हो गया। बरसात आई थी और पानी भर गया चारों तरफ से घर बार डस गए पानी भरा जो सामान बह गया और माल पानी सोयाबीन लहसुन गेहूँ बर्तन भांडे गैस टंकियाँ सब बह गया और ऐसे ही मेरे साथ ही गांव वालों का भी यही हाल है जो नीचे नीचे।
कोटा जिला का सुकेत कस्बा का अंतरालिया गांव में मंगलवार का ताई मिट्टी में ट्रक धसकर पलट जाबा सु हादसा हो गयो। हर हादसा में ट्रक चालक ने ट्रक सु कूद कर जान बचाई। नेशनल हाईवे 52 पर फोर लेन सड़क को पुलिया को निर्माण चल रहे हो और जिमे पुलिया का दोनों साइड जर्जर सड़क होबा और सकरो रोड होबा का सोडा ही मिट्टी जमबा सु ट्रक मिट्टी में फंस कर गिर गयो। हर हादसा में ट्रक चालक सुरक्षित था। मौका पर जेसीबी की मदद से ट्रक ताई सीधो कर गयो। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय का मंडी रोड पर बीती देर रात शहर निवासी व्यापारी मदन मोहन गर्ग ने बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों द्वारा की गई 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात कताई रेल। सवाई माधोपुर का व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश था, जिसका चालता मंगलवार कताई शहर का व्यापारियों ने खाद व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेंद्र मोहन चौधरी का नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कताई लेर कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन करियो और पुलिस अधीक्षक कताई ज्ञापन सौंपियो। उनके साथ संघर्ष किया लेकिन उन्होंने लास्ट में जाके वो कट्टा टाइप निकाल लिया देसी। अच्छा। और बोले ये कहा के इसके गोली मारो साले के जब छोड़ा था बेग। उस वक्त मैंने बेग छोड़ दिया, खूब चिल्लाया 5-10 मिनट तक। बाइक पर थे क्या? मैं भी बाइक। तो ये जी आपने आरोपी में बार ताई की खबर। अब दीजो अदिति का ताई विदा। राम राम।